हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे बिजली के बिल को भर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। और अपने बिजली के कनेक्शन में आप किस तरह से अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको मालूम चलेगा कि आप किस तरह से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो बिजली बिल में, और आप किस तरह से पे कर सकते हो बिजली बिल को घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। उसके लिए आपको जिसका बिजली बिल भरना है, बिल नंबर चाहिए होगा, और अगर रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर है तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो आप फ़ोन पास में रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र का ज़रूरत पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो बिजली बिल में आएगा कि आप बिजली, जो पुराना बिजली का बिल है उसमें लिखा रहेगा कि किस विभाग का है, मतलब किस कंपनी का है। तो उसमें आप देख लीजिएगा नाम और सर्च कीजिएगा। तो मेरा तो अभी APDCL का है, तो मैं अभी सर्च करता हूँ APDCL असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इसमें देख सकते हो 6 ऑप्शन है, पे इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज, प्रीपेड मीटर। जो प्रीपेड मीटर अभी तो नया कनेक्शन आ चुका है, आप उसमें जितना पैसा डालोगे उतना ही वो बिजली आपको देगा, कनेक्शन देगा। जैसे कि रिचार्ज सिस्टम हो गया फ़ोन में, जैसे आप रिचार्ज करते हो उस टाइप का। स्मार्ट प्रीपेड बिल अप्लाई, अभी यहाँ से आप अगर नया इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर आप नया अप्लाई कर सक करना चाहते हो नया कनेक्शन, तो यहाँ से आप ले सकते हो। अपडेट मोबाइल नंबर KYC, जो आपको मैंने कहा था कि रजिस्टर आपको करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना बिल आया है, उसके लिए बिल नंबर चाहिए होगा। तो अब शुरू करते हैं। इसमें देखिए कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ है, एंटर कंज्यूमर नंबर। उसमें आपको इलेक्ट्रिक बिल का जो बिल नंबर है उसमें, तो यह रहा हमारा बिल नंबर। सर्च करते हैं इसमें क्या दिखता है, देखिए आगे। तो इसमें मेरे मोबाइल नंबर पर OTP जा चुका है, और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा अगर आप अपना बिल नंबर देते हो। उसके बाद आपको OTP कॉपी कर लेना है, फिर आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए, OTP वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल नंबर है, बिल डेट है, ड्यू बिल है, उसके बाद में ड्यू बिल अमाउंट, नेट बिल अमाउंट। तो मैंने इसको पहले ही पेड कर चुके हैं, क्योंकि ये नया कनेक्शन था तो इसमें बिल कम आया था, तो मैंने इसको पहले पेड कर दिया है। अगर आपको पेड करना है तो आप पेड कर सकते हो आपका नया कनेक्शन पे, या फिर कोई भी कनेक्शन आप पेड कर सकते हो। तो मैंने पेड कर, इसलिए इसमें पेड दिखा रहा है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देखिए डाउनलोड आ चुका है, डाउनलोड कर देते हैं। और ये डाउनलोड करने के बाद में ये लिस्ट ऐसा दिखता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।